एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिंस। आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अक्सर छोटे बच्चों पे इस्तेमाल किया जाता है। अब जब छोटे बच्चों का जी मिचलाने लगता है या फिर उनको उल्टी आने लगती है, तो ऐसे में इस प्रोडक्ट को देकर के उस मिचलापन को और उल्टी को रोका जा सकता है। जो मार्केट के अंदर ये फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, इसका नाम है वोमिकाइंड सिरप। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, वोमिकाइंड सिरप का कॉम्पोजिशन क्या होता है, ये काम कैसे करती है, कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और सावधानी क्या बरतनी चाहिए, इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके कॉम्पोजिशन से। तो इसके अंदर ओंडेंसेट्रोन नाम का एक ड्रग होता है, एक सॉल्ट होता है। अब बात आती है कि ये काम कैसे करेगा। जो वोमिकाइंड सिरप होता है, ये बेसिकली जो सेरोटोनिन होता है उसके एक्शन को ब्लॉक कर देता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एक बॉडी के अंदर नोसिया या वॉमिटिंग के लिए, मतलब कि जहां पर जी मिचलाता है या फिर उल्टी आती है, ये उसी सेरोटोनिन को ब्लॉक कर देता है। अब बात आती है कि आप इसे इस्तेमाल कहां कहां पर कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों को जब उल्टियां ज्यादा आती हैं उसको रोकने के लिए, और जब उनका जी मिचलने लगता है तब इस दवा को देकर के उनकी इन कंडीशंस को दूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। जो डोज है बेसिकली वो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा, जो छोटे बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं वो ही आपको डोज बताएंगे और ड्यूरेशन बताएंगे। अब बात आती है कि इसमें सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। सबसे पहले इसको इस्तेमाल करने से पहले इसका लेबल अच्छे से पढ़ लें, ठंडी और सूखी जगह पर रखें, सनलाइट से कभी भी एक्सपोज ना करें, और कभी भी इसे डायरेक्टली बॉटल से नहीं देना है, हमेशा किसी चम्मच में या टीस्पून में ही रख करके आपको देना है, और छोटे बच्चों की पहुंच से आपको इसे दूर रखना है। जो डॉक्टर आपको डोज बताएगा उससे ज्यादा डोज आपको नहीं देनी है। आज की इस वीडियो में हमने वोमिकाइंड सिरप के बारे में पूरा डिटेल में जाना। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिंस के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।